हिंदू सिख घर आएंगे, जान गंवाएंगे। बदकिस्मत की बात है कि 90 का दौर थोड़ा सा फिर से आ गया वापस। 2021 में 1990 वाली साजिश। ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है कि डर, जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो एक डर तो रहता ही है। टारगेट किलिंग पर कश्मीर क्रांति का। आज सड़कों पर क्यों नहीं आती हैं? अगर उनको कश्मीरियत बचानी है, कश्मीरी पंडित उनको चाहिए पार्ट एंड पार्सल वहाँ का है। तो इस बात का रहता है कि जो वहाँ के लोग, लोकल्स लोग, वो कभी कंडम नहीं करते। कश्मीरियत की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। फिर वही साजिश, फिर वही दर्द, फिर वैसी ही मायूसी, फिर वैसा ही मातम। जम्मू कश्मीर सिसक रहा है। आतंक ने फिर जम्मू कश्मीर के भाईचारे पर अटैक किया है। हिंदू और सिख समुदाय के लोग चुन चुन कर मारे जा रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराना है, उनको पलायन के लिए मजबूर करना है। ये जम्मू का जगती नगरोटा माइग्रेंट कैंप है। पिछले 4 दिनों से यहाँ 400 के करीब हिंदू कश्मीर से लौट आए हैं और कई ऐसे भी हैं जो लौटने की राह पर हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद एक दहशत का माहौल वहाँ माइनॉरिटीज में बन गया है। माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं इस समय जगती माइग्रेंट कैंप जो है जम्मू में, यहाँ पे आके जो है उनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे आके वो ठहर गए हैं, कईयों के घर यहाँ पे हैं। इन लोगों में जो है तमाम वो सरकारी कर्मचारी हैं जो पिछले कई सालों से कश्मीर घाटी में नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे। और एक इन लोगों का कहना है, इनके रिश्तेदारों का कहना है कि यहाँ पे कश्मीर में एक माहौल बन चुका था, एक भाईचारे का माहौल बन चुका था, जिसे जो है इन दिनों जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसने उस माहौल को छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसकी वजह से आम लोगों में डर हो गया है। दर्द से कश्मीरी पंडितों का पुराना रिश्ता है। कश्मीर की सदियों पुरानी कश्मीरियत आतंक के निशाने पर रहती है। कश्मीर ने यह दर्द 90 के दशक में भी झेला है। वो 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी जब कश्मीर की फिजाएं उबल रही थी। डल झील के शिकारे पर संगीत नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथियों का शोर सुनाई पड़ रहा था। हिंदुओं के घरों की दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए थे। कश्मीर के कोने कोने में मस्जिदों से फरमान जारी किए जा रहे थे, फरमान कश्मीर में रहने वाले गैर मुस्लिमों के खिलाफ, फरमान कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। और फरमान ये था कि या तो कश्मीर छोड़ो या अंजाम भुगतो या फिर इस्लाम अपनाओ। देखते ही देखते कश्मीरी पंडितों के पड़ोसी पराए होने लगे। खुल्लम खुल्ला कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के लोग डराए जाने लगे, भागने को मजबूर किए जाने लगे। वो 1990 वाली साजिश थी जब कश्मीर ने नरसंहार देखा। अब 31 साल बाद फिर वही साजिश की जा रही है। तब आतंक ने खुलकर ऐलान किया, लेकिन इस बार वो दबे पांव वैसी ही दहशत फैलाना चाहता है। 5 दिनों में ही 7 लोगों की हत्या करके कश्मीर में एक बड़ी साजिश की गई है। 5 अक्टूबर को आतंकियों ने फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की जान ली। उनके मेडिकल शॉप में घुसकर उन्हें मार डाला गया। माखनलाल बिंद्रू उन लोगों में थे जिन्होंने 1990 के नरसंहार के बीच भी हार नहीं मानी, वो कश्मीर में डटे रहे। लेकिन इस बार माखनलाल बिंद्रू की हत्या करके कायर आतंक ने क्या संदेश दिया है, वो आप संजय टिक्कू से सुनिए। ये पहली किलिंग है नॉन माइग्रेंट्स की जिन्होंने यहाँ से पलायन नहीं किया। 2003 के बाद नादियामार्ग मैसेकर जब हुआ तो वो भी बेचारे वहीं पे थे, उन्होंने पलायन यहाँ से नहीं किया था। उसके बाद 18 साल के बाद ये नॉन माइग्रेंट की पहली किलिंग है। इस बीच बहुत 2-3 किलिंग से हुई जो साउथ कश्मीर में हुई, सरपंच 2-3 सरपंच को मारा गया, तो एक उसको हम देखते हैं एक पोलिटिकल किलिंग के तौर पर। लेकिन
नॉन पॉलिटिकल किलिंग के दौर में ये पहली किलिंग्स थी। संजय टिक्कू कश्मीरी पंडित हैं, आतंकियों की हिटलिस्ट पर हैं, इसलिए इन्हें कड़ी सुरक्षा दी गई है। संजय टिक्कू ने आतंक के आगे कभी सजदा नहीं किया, लेकिन आज उन्हें यह शिकायत जरूर है कि कश्मीरियत को बचाने के लिए वो तो डटे हैं, लेकिन कश्मीर का बहुसंख्यक समाज चुप है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमसे मतलब वही सलूक होगा फिर से जो हमने 90 में, क्योंकि हमने 90 भी देखा है, 90 से लेके आज तक, चाहे 2008 हो, 2010 हो, 2016 हो, उसके बीच में भी बहुत सारे बवाल यहाँ पे आ गए, तो हम तो ये देखते रह रहे हैं। तो हमें दुख हुआ, हमें ये हुआ महसूस कि, और उसमें दूसरी बात ये है कि जैसे 90 में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने एक साइलेंस रखा था, वो हमें लगा। कश्मीर ने 1990 का वो दौर भी देखा है जब मस्जिदों से हिंदुओं को पलायन की धमकी दी जा रही थी, जब मस्जिदों से देश विरोधी नारे गूंज रहे थे, और संजय टिक्कू यही पूछ रहे हैं कि अगर वाकई कश्मीरियत कश्मीर की पहचान है तो इस लड़ाई में वो अकेले क्यों नजर आते हैं। हर एक मस्जिद से एक ही आवाज निकलनी चाहिए कि माइनॉरिटी जितनी भी है, अल्पसंख्यक लोग जितने भी कश्मीर है, आज के बाद कोई भी सिविलियन किलिंग नहीं होगी। और हम ये एश्योर करते हैं अपने जितने भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, चाहे सरदार जी है, हम है, क्रिश्चन से है यहाँ पे, तो आगे से ये नहीं होगा। अगर ये होगा तो इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। कश्मीर में टारगेट किलिंग कर 1990 वाले हालात पैदा करने की साजिश है, और इस साजिश की गूंज जम्मू में जगती नगरोटा माइग्रेंट कैंप तक सुनाई दे रही है। कश्मीर में 4,000 युवाओं को प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी मिली, लेकिन माखनलाल बिंद्रू से लेकर सुपेंदर कौर और दीपक चंद तक एक के बाद एक बढ़ रही टारगेट किलिंग की वजह से एक बार फिर ये लोग सोचने को मजबूर हैं। इनकी वजह से कश्मीरत बदनाम है, इनकी वजह से डेवलपमेंट रुक रही है। चलो हमारे टीचर्स आ गए जो वहाँ पब्लिक डेवलपमेंट में रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं हमारे लोग, इंजीनियर्स हमारे, तो उनको रखा उन्होंने, उनसे वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनको तो रोड पे आना है, डेवलपमेंट देखनी है, काम करना है, तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हार्ड जाना चाहिए इस बारे में, क्यों नहीं सुधरेंगे। पीछे जब ये हार्ड हो गए थे, नज़रबंद किया था उन लोगों ने, फिर क्यों नहीं हो गया गड़बड़। हमारे वहाँ के लोकल लोग ये चाहते हैं, या वो बोलते रहते हैं हमेशा, हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए। तो अगर कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है या माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, वो कंडम क्यों नहीं करते हैं, या वो इस वक्त क्यों नहीं कश्मीर बंद की कॉल दी करते हैं। ये धरती का जन्नत है जिसे कायर आतंक जहन्नुम बना देना चाहता है। आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीर का हर वो शहरी है जो कश्मीरियत की बात करता है, जो कश्मीर में आतंक के खिलाफ है। क्या खता थी सुपेंदर कौर की, क्या गलती थी दीपक चंद की। श्रीनगर के डाउनटाउन के स्कूल में ये तालीम की रोशनी ही तो फैला रहे थे, ये बिना मजहब देखे कश्मीर का भविष्य संवारने में ही तो जुटे थे, ये बच्चों के हाथों में कलम थमा रहे थे ताकि वो बंदूक ना पकड़े। लेकिन आतंक को ये रास नहीं आया, दोनों की जान ले ली। हम आपको वो स्पॉट भी दिखाना चाहते हैं, जो स्पॉट आपने सैडली सोशल मीडिया पर कई तस्वीरों में देखा होगा। ये जो आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उसी से जुड़े हुए ये खून के निशान हैं। दीपक चंद क्या को यहाँ पर शूट किया गया था, और प्रिंसिपल मैडम को यहाँ पर शूट किया गया था। और इन किलिंग्स के बाद सवाल ये उठे कि अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर जिस तरह मारा गया, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया आईडीज चेक किए गए, बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, और उसके बाद इन दोनों टीचर्स की, जिसमें एक प्रिंसिपल और एक टीचर को आइडेंटिफाई किया गया, नॉन मुस्लिम्स थे, और इन्हें शूट किया गया। कश्मीर में हिंदुओं सिखों का दर्द अंतहीन है, वर्षों से ये लोग आतंक का शिकार होते आए हैं, और आज इनकी जुबान पर सबके लिए सवाल है। ये अपने मुस्लिम भाइयों से पूछ रहे हैं कि कश्मीरियत बचाने की लड़ाई में यहाँ के हिंदू मुसलमान कब भाई भाई बनेंगे, टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीर क्रांति कब होगी।
90 के दशक में कश्मीरियों के नरसंहार में कई अलगाववादी नेता शामिल रहे। सैयद सलाहुद्दीन से लेकर यासिन मलिक तक हिंदुओं के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन आज कश्मीर के हिंदू और सिख आम कश्मीरी की आवाज बनने का दावा करने वाले सियासतदानों से पूछ रहे हैं कि कब वो राजनीति छोड़कर सही मायने में इस लड़ाई में उनके साथ आएंगे। जम्मू के इस कैंप में ऐसी कई आवाजें हैं जो कश्मीर के सियासतदानों से खफा है। कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन जो है, उनके पेपर आप देखो, स्टेटमेंट्स उनके देखो, वो चाहते हैं कि ये रिवाइव हो, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं आते हैं जिससे लोग इसे दूर रहे। स्टेटमेंट ऐसे प्रोवोकिंग आते हैं कि जज्बातों को, हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचती है, शायद वो इसको फेवर करते होंगे। कश्मीरी पंडितों के जहन में मौजूदा सियासत के खिलाफ आक्रोश की आग भड़क रही है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें किस बात की सजा मिलती है। जब हम माइग्रेंट हो गए, कम से कम 38,000 एम्प्लॉयज हमारे थे उस समय जब हम घर छोड़कर आ गए। इस समय मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 4,000 एम्प्लॉयज हमारी उन पुराने एम्प्लॉयज में से बचे होंगे। इन सीट ऑफ दैट क्या दिया सरकार ने, 4,000 हो गए 31 साल में। तो ये शर्म होनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित ही नजर आ रहे हैं, आपके घरों से क्या लेते। ये नाराजगी यूं भी तो नहीं, कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के हालिया कत्लेआम के बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने जितने आंसू नहीं बहाए उससे ज्यादा अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाया। टारगेट किलिंग के खिलाफ उनकी जुबान खामोश थी, लेकिन 370 हटने का दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। और इसीलिए आज जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन सरीखे नेता इस रिवायती रस्म अदायगी के खिलाफ मुखर होने लगे। टारगेटेड किलिंग्स थी, तो पिछले दो दिन में जो 4 किलिंग्स हुई, इसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, सिख्स हैं, पंडित्स हैं, बहुत स्केयर है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितना वहाँ स्केयर है उतना हम में भी स्केयर है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि उनमें स्केयर नहीं। देखिए, एक मैडम तो या एक, एक 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 चाहे सजाद लोन साहब हों, उमर साहब हों या महबूबा जी हों, वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पूरे जे एंड के नेशनहुड को, नहीं करते। दे डोंट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अस, वो उनकी अपनी राय होती है। सो देखिए, ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, अब उनने बोल दिया तो सारे कश्मीरी ने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। जब जन क्रांति होती है तो उसके आगे कोई नहीं टिक पाता, और आज जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ क्रांति जोर पकड़ने लगी है। सुपेंदर कौर और दीपक चंद की हत्या का आक्रोश कितना गहरा है यह इन तस्वीरों में देख लीजिए। सुपेंदर कौर और दीपक चंद के अंतिम सफर में उमड़ा जनसैलाब आतंक के खिलाफ इनकलाब का ऐलान कर रहा है। इन कश्मीरियों ने ऐलान कर दिया है कि न डरेंगे, न झुकेंगे, न हारेंगे, लड़ेंगे और आतंक को हर हाल में हराएंगे। कश्मीर के अल्पसंख्यकों ने साफ कह दिया है कि उन्हें मरना पसंद है लेकिन अपनी जमीन छोड़ना नहीं। श्रीनगर में हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। सुपेंदर कौर के जनाजे में आए जनसैलाब का हुंकार ऐसा था कि आतंक के आका भी थर्रा उठे। दिल में मातम, आंखों में आंसू और जुबान पर यह ऐलान कि अब आतंक के विरुद्ध अंतिम युद्ध होकर रहेगा। हम ऐसे तो भागेंगे नहीं, लेकिन रहने के लिए भी आप सर जोड़ेंगे। अगर ये मैसेज है हमारे लिए कि भाई यहाँ से आप निकल जाओ, तो आई थिंक हमारी उनका ना हमारी ओर से उनका रिप्लाई ये है कि हम यही रहेंगे, मिटेंगे, हम यही रहने। जो ऐलान जंग सुपेंदर कौर के अंतिम सफर में नजर आया, वही गूंज जम्मू के इस कैंप में भी सुनाई पड़ रही है। इस टाइड को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो इसमें हमें सबको मिलके, आई थिंक ये जो हम कश्मीरियत की एक ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, अगर उसको रिवाइव किया जा सकता है, तो सब लोग मिलके इसका मुकाबला करेंगे, आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा कर सकते हैं। कश्मीर के हिंदू और सिखों ने तय कर लिया है कि टारगेट किलिंग पर कश्मीर क्रांति होकर रहेगी। सुपेंदर तेरे खून से, एक गांव
इन्होंने आंसू बहाए हैं, लेकिन इनकी उम्मीद टूटी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि कश्मीरियत अभी जिंदा है। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.